morning, children. How are you all? I hope you all are good and fine. सब बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे. So children, देखिए आज हिंदी में मैडम आज आपको पार्ट 11 और पार्ट 12 पढ़ाएगी. ये क्या है? ए की मात्रा है. क्या है बेटा? ए की मात्रा. ए की मात्रा है और ए की मात्रा का मैडम आपको पार्ट 12 में कन्वर्सेशन बताएगी, इस्तेमाल समझाएगी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सब बच्चे ध्यान से मैडम को सुनेंगे और समझेंगे. देखिए पेज नंबर, ये आपकी बुक का पेज नंबर, भाषा सेतु पेज का बुक का पेज नंबर 27 आप लोगों को ओपन करना है. तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह एक्सप्लेन करती हूँ कि ए की मात्रा का उच्चारण कैसे होता है. ठीक है, अक्षर भी लगा के कुछ शब्द मैं आपको बताती हूँ. जैसे मैम ने लिखा प्लस ए की मात्रा इक्वल्स टू क्या हो गया? के. इसका उच्चारण साउंड कैसे आया? के. क्लियर हुआ? एक दो अक्षर पे और मैं आपको लगा के बताती हूँ. ना प्लस ए की मात्रा क्या हो गया बेटा? ए ने. ओके, ये तो था अक्षर में लगाने के बाद उसका साउंड. उच्चारण कैसे आता है? के ने. आप लोगों को समर हॉलीडे में 12 खड़ी लिखने को दी थी मैम ने. ओके, अगर आप लोगों ने 12 खड़ी बहुत अच्छे से लिखी है और समझी है तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी. तो देखिए अब इसका जब मैम ने इसको ए की मात्रा अक्षर पे लगाई तो इसका साउंड कैसे हुआ? के ने. पा पे लगा दिया तो पे. ए की मात्रा जहाँ भी लगेगी तो कैसे आएगा? रे से वे ले. ओके, अब इससे मैं कुछ शब्द बनाती हूँ. ठीक है, अब इससे अपन कुछ ए की मात्रा से कुछ शब्द बनाते हैं. जैसे मैंने देखा क में ए की मात्रा के ला. ए की मात्रा किस पे लगी है? क पे लगी है. क में के ला. अब जैसे मैंने देखा शेर. शेर. ओके, क्या लिखा मैम ने? शेर. ऐसे ही आपकी बुक में बहुत सारे वर्ड दिए हैं पेज नंबर 27 में ए की मात्रा के, जैसे कि केला, पेड़, शेर और रेलगाड़ी. ठीक है, नीचे भी बहुत सारे शब्द दिए हैं, बेल, रेल, खेल, तेज, भेज, खेत, रेत, वेश, केश, बेर, राकेश, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, बरेली, सहेली, सवेरा, बसेरा, जलेबी, करेला, किनारे, सितारे, कमलेश और मेहमान. ये सारे वर्ड एक ही मात्रा के आपकी बुक में दिए गए हैं. देखिए और बुक में जहाँ जहाँ पे ये शब्द दिए हैं सभी में रेड कलर से एक ही मात्रा को हाईलाइट किया गया है. ओके, तो अब देखिए ये सारे वर्ड मैंने पढ़े, कुछ शब्द और मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. जैसे मैंने लिखा दिनेश. दिनेश एक ही मात्रा का उच्चारण क्या हो रहा है? ना पे. दी ने एक ही हो रहा है, नेश. यहाँ पे अपन ने लिखा था तो दी नेश. ठीक है, क्लियर हुआ? जिस भी अक्षर के ऊपर ए की मात्रा लग जाती है तो उसका उच्चारण कैसे होता है? जैसे कि रे, के, पे, हे. ओके, क्लियर हुआ? अब आप सब बच्चे ये सारे शब्द अपने घर में बैठ के अच्छे से रीड करेंगे. ओके, क्लियर हुआ? अब देखिए इसके बाद आप लोगों को कुछ शब्द मैम आपका जो क्लास ग्रुप है वहाँ पे आपको एक शब्द कॉपी में लिखने के लिए देगी, जो आप लोगों को अपनी कॉपी में क्या कैसे लिखना है, हेडिंग डाल के क्या लिखेंगे आप पार्ट 11, और वो एक शब्द आप अपनी कॉपी में उतारेंगे. ओके, ठीक है, क्लियर हुआ? वो एक शब्द आपको कॉपी में उतारने हैं. फिर नेक्स्ट पेज में आप क्या करेंगे? पार्ट 12 लिखेंगे और पार्ट का नाम लिखेंगे. वो भी मैडम आपको लिख कर सेंड करेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेगी, तो वो आपका कॉपी वर्क हो जाएगा.
अब यहाँ पे आपने एक ही मात्रा समझी, एक ही मात्रा का उच्चारण समझा, जैसे कि की नारे, हमने यहाँ पे लिखा की नारे, की नारे, एक उच्चारण कहाँ हो रहा है, र के ऊपर हो रहा है। ओके चलिए अब मैं आपको, अब पेज टर्न करिए और पेज नंबर 28 निकालिए, पार्ट 12, यहाँ पे मेला पार्ट का नाम है मेला। यह है आप पार्ट, यहाँ पे आप हेडिंग क्या डालेंगे, आपकी बुक में हेडिंग नहीं डली है, आप यहाँ पे पार्ट 12 लिख लेना, जिससे कि आपको क्लियर रहे। ओके बेटा, यहाँ पे आपको पार्ट 12 मेला, पार्ट 12 जो है वो है मेला। ओके पार्ट 12 है मेला, मैंने उसे ब्रैकेट भी किया है। तो देखिए चलिए, ये आपको एक ही मात्रा का कन्वर्सेशन है, इसमें आपको एक ही मात्रा का पूरा यूज बताया गया है पार्ट 12 में, ज्यादा से ज्यादा जगह पे एक ही मात्रा लगी है। तो चलिए बेटा मैं इसको रीड करती हूँ, आप लोग भी मैडम के को ध्यान से सुनिए और घर में बैठ के इसकी रीडिंग करिए। बेटा आपकी रीडिंग और स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ओके तो देखिए कैसे रीडिंग करेंगे, पार्ट 12 मेला। सुहेल, रमेश, नरेश, जेबा, सुरेश, राकेश, मुकेश, रेखा, सारे गए देखने मेला, सबने पहले झूला झूला, सबने पहले क्या किया, झूला झूला, फिर जेबा ने खाए पेड़े, फिर जेबा ने खाए पेड़े, सुरेश ने ले लिए केले, सुरेश ने क्या ले लिए, केले, रमेश ने लिया एक केक, रमेश ने क्या लिया एक केक, नरेश ने चखे मीठे बेर, नरेश ने क्या चखे मेले से, मीठे बेर, पेड़ा भी मीठा, केला केले भी मीठे, पेड़ा भी मीठा, केले भी मीठे, पेड़ा भी क्या है मीठा है और केले भी कैसे हैं मीठे हैं, केक भी मीठा और कह रहे हैं केक भी कैसा है मीठा है, बेर भी मीठे, बेर भी कैसे हैं मीठे हैं। तो देखिए पेड़े में एक ही मात्रा है, केले में भी है, केक में भी है और बेर में भी है, ठीक है, ये चारों चीज कैसी है बताया गया है मीठी है। दिन लगा ढलने, दिन ढलने लगा, जब सूरज सूरज अस्त होने लगता है, सूर्य अस्त होने लगता है तो कहते हैं दिन ढलने लगा, सूरज लगा छिपने, मतलब सूरज लगा छिपने। ओके आ गए सब अपने अपने घर और सब लोग खा पी कर घूम कर मेला, सब आ गए अपने अपने घर। तो बेटा इस पार्ट की तो आप लोगों को क्या करनी है, रीडिंग करनी है, इसको आपको अच्छे से रीडिंग करना आना चाहिए। ओके मैडम जब आपके ऑनलाइन क्लास लेगी तो इस पार्ट की भी मैडम आपको रीडिंग करवा सकती है। चलिए अब इसके बाद बेटा यहाँ पे पेज नंबर 29 में अभ्यास प्रश्न दिया गया है, बहु विकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुने। ओके तो देखिए इसमें क्या है, मेला देखने कौन गए थे, मेला देखने कौन गए थे, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, रमेश, सुहेल, रेखा और सभी। तो मेला देखने कौन गए थे, सभी गए थे, तो आप कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे, सभी पे आप लोग टिक करेंगे, आपका जो फर्स्ट है फर्स्ट आपका जो सही विकल्प है उसका करेक्ट आंसर क्या है, झ, सही विकल्प विकल्प का है फर्स्ट का है झ, सभी सभी में आप लोग क्या करेंगे टिक करेंगे। ओके सेकेंड है हमारा झूला, किस झूला किस झूल ने
किसने झूला, झूला किसने झूला, तो इसमें सुरेश ने, देवा ने, नरेश ने या सबने, तो झूला सबने झूला था। तो यहाँ पे भी आपका घा, तो यहाँ पे आएगा सबने, सबने पे आप चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है केले किसने लिए थे, केले किसने लिए थे, सुरेश ने, नरेश ने, राकेश ने या सभी ने, तो आपका थर्ड वाला है सुरेश। और इसका भी क्या है, इसका का है सुरेश। ओके, फोर्थ पे हम आते हैं, फोर्थ हमारा है सूरज शिव ने पर बच्चों ने क्या किया, मेले में ठहर गए, सिनेमा देखने गए, अपने घर आ गए या खेलने लगे, यस तो अपने घर आ गए, तो अपने घर आ गए, अपने घर आ गए। ओके, चलिए अब ये आपके सही विकल्प ये प्रश्न हुए। बेटा इसके नीचे पढ़ो और लिखो, ये आप लोग एज इट इज उतारेंगे, आपकी हैंडराइटिंग और स्पेलिंग इम्प्रूव करने के लिए दिए हैं, तो सारे वर्ड आपको एज इट इज अपनी कॉपी बुक में उतारने हैं। चलिए अब मैं आती हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक शब्द में उत्तर लिखो, ये आपको बुक में करना है, इसके अलावा आप लोग कॉपी में भी करेंगे। ओके, तो मैडम आपको बताएगी बुक में कैसे करना है और कॉपी में कैसे करना है। ओके, तो बुक में तो अभी आप मैडम के साथ साथ कर लीजिए। ओके, और कॉपी में मैडम आपको फोटो क्लिक करके सेंड करेगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके बच्चों, सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बेटा आप लोगों के 12th से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, चलिए एक शब्द में उत्तर लिखो, सभी पेज नंबर निकालिए, 30 पेज नंबर 30, सभी बच्चे कहाँ गए थे, तो सभी बच्चे कहाँ गए थे, इसका उत्तर क्या है, मेला। फर्स्ट पेज नंबर मैं यहाँ लिख रही हूँ, पेज है हमारा 30 और प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर आप लोगों को सिर्फ बुक में उत्तर लिखना है, मैं यहाँ पे आपको उत्तर उत्तर उतार के दूंगी, उत्तर ए, तो सभी बच्चे कहाँ गए थे, मेला। आप लोग पहले में क्या लिखेंगे, मेला, अपनी बुक में इस जगह पे आप क्या लिखेंगे, मेला। ओके मैम, इसकी भी आपको फोटो क्लिक करके सेंड करेगी, लेकिन अभी आप वीडियो देखते देखते कर लीजिए, मेला। ओके, फिर हमारा सेकंड है, सबसे पहले बच्चों ने क्या किया, सबसे पहले बच्चों ने क्या किया, झूला झूला, सबसे पहले बच्चों ने झूला झूला था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बच्चों ने, सिर्फ हमको एक शब्द में उत्तर देना है, तो हम लिखेंगे झूला झूला। ओके, थर्ड हमारा है सुरेश ने क्या खरीदा, सुरेश ने क्या खरीदा, तो सुरेश ने क्या लिए थे, केले, तो आप क्या लिखेंगे, केले। ओके, आप क्या लिखेंगे, केले। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा, रमेश ने क्या लिया, रमेश ने क्या लिया था, यस रमेश ने केक लिया था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, के, रमेश ने केक लिया। फाइव, देवा ने क्या खरीदा, तो देवा ने क्या खरीदे थे, पेड़े, तो आप लोग क्या लिखेंगे, पेड़ के पेड़े। और सिक्स्थ और लास्ट प्रश्न हमारा है, नरेश ने क्या खाया, नरेश ने क्या खाया, बेर, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे बेर। ओके, इतना क्लियर हुआ बेटा, आप देखिए ये आप लोगों को सब सारे एक प्रश्न में उत्तर जो दिए हैं, ये आपको अभी बुक में करना है, आप अभी देख के मैम को जैसे वीडियो देख रहे हैं वैसे अपनी बुक उठाइए और फटाफट आप लोग कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद सही वर्ण पर मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाओ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट रॉन्ग स्पेलिंग दिए हैं,
रॉन्ग स्पेलिंग ली है और आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए मैं आपको करेक्ट स्पेलिंग बताऊंगी, आप लोग भी थोड़ा सा सोचिए अपने माइंड में। जैसे कि काप के आपको वर्ड दिया है, काके, तो काके तो कोई वर्ड नहीं होता है, क्या होता है, के, के ये आपका ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। सेकेंड वर्ड है हमारा तो कोई वर्ड होता है नहीं, तो क्या होगा हमारा, तारे। थर्ड वर्ड है हमारा चमके, तो देखिए चमके कुछ होता है क्या बेटा, नहीं, चमकने। फोर वर्ड है हमारा लाल, देखिए लालटेन कुछ नहीं होता, क्या होता है, लालटेन होता है। तो ये रॉन्ग स्पेलिंग को हमें करेक्ट स्पेलिंग में लिखना है, लालटेन नहीं होता, करेक्ट वर्ड होता है लाल टेन, लाल टेन। ओके, फिफ्थ वर्ड है हमारा बरे, बरे कुछ होता है क्या, बरे तो क्या होता है, बेर। और सिक्स चले, तो क्या होता है, चलने। ओके, क्या होता है, चलने, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट था ये, आप लोग अभी अपनी बुक में यहाँ पे करेंगे, ओके, इस वाली जगह में आपको करना है, इसको आप मैम के साथ कर लीजिए। चित्र पहचान कर शब्द पूरे करो, ओके। अब आप क्या करेंगे, चित्र पहचान के शब्द पूरे करेंगे। तो देखिए पहला चित्र काय का है, केले। फर्स्ट पिक्चर काय का है, आप लिखेंगे केले। सेकंड पिक्चर है पेड़, और थर्ड पिक्चर काय का है, यस रेल, रेल। फोर्थ पिक्चर है बेल। फिफ्थ है जले पी, और सिक्स्थ है करेगा, करेगा। ओके, चलिए ठीक है, ये तो रहे आपके चित्र पहचान कर शब्द पूरे करो, आपका कंप्लीट हो गया है बेटा। आपका पार्ट 11 और 12 कंप्लीट हुआ, इसको आप लोग अलग अलग पेज में, न्यू पेज में हेडिंग डाल के लिखेंगे। देखिए जैसे कि मैम आपको यहाँ पे दिखा रही है, आपको इस तरीके से, मैं फोटो तो वैसे सेंड करूँगी, ऐसे आपको करना है। पार्ट 11 की आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, फिर इसके बाद पार्ट 12 पार्ट का नाम लिखेंगे और प्रश्न उत्तर डाल के आपको ऐसे प्रश्न उत्तर लिखेंगे। मैं फोटो आपको क्लिक करके सेंड करूँगी। सो चिल्ड्रन, इतना आप लोग लर्न करिए, रीडिंग करिए, ओके, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।